Okay, good morning students. After discussing the motion in the vertical circle, which was the most important one, this one is also a most important article that is called the collision. Okay, this will also carry out the 4 marks. Okay, but before proceeding the article, let's discuss some of the definitions related to these terms. Okay, so हमारा topic क्या है आज का? That is collision. क्या है हमारे पास collision? टॉपिक कोलिजन का, ठीक है। कोलिजन होता क्या है, ठीक है। हम लोगों ने मोबाइल पर ज्यादा कोलिजन देखे हुए, जैसे हम घरों में मार्बल जो खेलते हैं, और जब हम मार्बल को एक साथ एक मार्बल को दूसरे मार्बल के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो हम यहाँ पे बड़े ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन देखो क्या क्या होती हैं। अगर जब हम केस अलग अलग केसेज होते हैं, जैसे मैं इस मार्बल को इसके साथ मारता हूँ, तो केवल करते हैं कि मार्बल यहाँ पे रुक जाएगा और दूसरा मार्बल जो मूव करने लग पड़ेगा, होता है ना ऐसे। या तो फिर जब हम इस मार्बल को इस मार्बल के साथ मार रहे हैं, तो दोनों मार्बल जो है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव करने लग पड़ते हैं, ठीक है। या तो फिर अगर मैं इस मार्बल को इसके साथ मार रहा हूँ, तो की बात क्या होता है, ये मार्बल यहीं पे रहता है और दूसरा मार्बल जो है रिबाउंस हो जाता है, वापिस चला जाता है। तो ये आपने अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशन देखी हुई है कि जब हम मार्बल्स खेलते हैं, ठीक है, जब हम कंचे कंचे उनको बोला जाता है, मार्बल्स जिनको खेलते हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये क्या है, वन काइंड ऑफ द कोलिजन होती है, इनको क्या बोला जाता है, कोलिजन। तो ये जो कोलिजन हम टॉपिक करेंगे, ये एक्चुअली कहां पर यूज होता है, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बड़े स्मॉल लेवल पे चले जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल में चले जाएंगे, तो वहां पे हम न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में या फिर न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो उनके कोलिजंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, कि हमें कितनी ज्यादा न्यूट्रॉन की स्पीड होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, उनके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो वहां पर इन कोलिजंस का बड़ा ज्यादा रोल बैठा जाता है, ठीक है, कि किसी बॉडीज का कितना ज्यादा उसका मोमेंटम रहेगा, कितनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है। उन चीजों को कैलकुलेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूले हम इसको ड्राइव करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको डेली लाइफ में एप्लीकेशन आपको बता दी, ठीक है। बता दी कि होता क्या है कोलिजन, तो कोलिजन में देखो डेफिनेशन होती क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी, दो बॉडीज के बीच में इंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। कोलिजन में करता है इंट्रैक्शन होती है, ठीक है, बिटवीन द टू बॉडीज ड्यू टू व्हिच, अब इन कोलिजंस की वजह से क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और उसका साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, तो बाद में क्या होगी, वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेकिन इतनी सारी वेलोसिटी इसको दे दी, इसको दे दी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ चला था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो इस कोलिजन उनके बाद दोनों के पास वेलोसिटी आई, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 5 मीटर पर सेकंड और इसके पास भी 5 मीटर पर सेकंड, पर यहाँ पे क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ चला था, स्ट्राइक करने के बाद वापस आया तो -10 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो चेंजेस, तो दिस काइंड ऑफ द इंटरेक्शन इज कॉल्ड द कोलिजन, इन तरह के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोला जाता है, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ड्यू टू विच डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू बॉडीज चेंजेस, इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। कैसे कोलिजन, इसमें आपके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो बॉडी का वो भी चेंज रहता है, मैग्नीट्यूड से मतलब इनकी वेलोसिटीज वगैरह भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, सॉरी इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोला जाता है, ठीक है। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ द कोलिजंस, उन टाइप्स को पहले अंडरस्टैंड कर लेना कोलिजन की। फर्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजंस आर दोज कोलिजन, कौन से कोलिजन होते हैं, इन विच आर दोज कोलिजन इन विच क्या, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, किसका, सिस्टम का, रिमेन कंजर्व्ड, क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, कंजर्व्ड का मतलब कॉन्स्टेंट रहती है। दिस टाइप ऑफ द कोलिजन इज कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली का मतलब एग्जैक्ट परफेक्ट होगी, इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। दिस इन दिस लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, जब भी इस तरह के कोलिजन होते हैं, ना तो उसका लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज आता है, ना ही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आता है।
ठीक है, बोथ विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट, कोलिजन से पहले जो था वही कोलिजन के बाद भी होगा, ठीक है। बट इतना याद रखें कि जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है ये डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो, अगर मैं इन दो हाथों के बीच का कोलिजन करता हूँ, ठीक है, तो जब कोलिजन हुआ तो यहाँ पे देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस हुआ। किस तरह की एनर्जी लॉस हुई? देखो, जब मैंने इसको स्ट्राइक किया तो मेरे हाथ गर्म हो गए, किसकी वजह से? स्ट्राइक की वजह से। तो यहाँ पे एक हीट लॉस हुई, दूसरी साउंड प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पे साउंड लॉस भी हो रहा है। तो ये जो आपके कोलिजन होते हैं, जो डेली लाइफ के कोलिजन हो रहे हैं, दिस इज नॉट अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ये जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन जो होते हैं, ये हम लेते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। कोई भी कोलिजन, चाहे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में चले जाओ, कोई भी कोलिजन जो होगा परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं कि जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो जो कोलिजन होगा किसके बीच है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच का, चाहे वो न्यूक्लियस के बीच का कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच का, प्रोटोन के बीच का, ठीक है, या फिर न्यूट्रॉन्स के बीच के हम कोलिजन कंसिडर करते हैं। तो वो कोलिजन भी कभी भी परफेक्टली नहीं होती, बट बी कंसिडर दैट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि उनमें एनर्जी लॉस जो होता है वो बड़ा ही कम होता है, एनर्जी लॉस बड़ा ही लो होता है। इसलिए हम उन कोलिजन को क्या मानते हैं? अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट, इतना ध्यान रखना, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट, इट्स अप्रोक्सीमेटली, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो कौन से कोलिजन होते हैं? इन विच द लीनियर मोमेंटम होता है काइनेटिक एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट, इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, अगर मैं एक स्टोन को ड्रॉप करता हूँ, मान लो मैं एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूँ कितनी हाइट से? 10 मीटर की हाइट से, ठीक है। अगर इस स्टोन को ड्रॉप किया 10 मीटर की हाइट से, तो इसने भी किया स्ट्राइक किया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस पर इसने स्ट्राइक किया, ठीक है। मान लो कोलिजन कैसा मान लिया हम? परफेक्टली इलास्टिक पर। तो क्या होगा? इसने कोई भी एनर्जी लॉस नहीं की, तो जब भी एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो वापस फिर उतनी ही हाइट को रिगेन कर लेगा, कितनी? 10 मीटर की हाइट को रिगेन करेगा। कब? कभी पॉसिबल होगा व्हेन वी कंसीडर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी कि जो इसका मोमेंटम पहले था, यहाँ पे मान लेता हूँ अगर मोमेंटम है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूँ 100 जूल है, तो कोलिजन के बाद, यहाँ पे कोलिजन हुआ इस बॉडी का, यहाँ पे कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद भी इसकी मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम है और ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, मोमेंटम जो है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ले रहा, और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सॉरी नॉट 10 किलोग्राम, इसका 100 जूल काइनेटिक एनर्जी जो 100 जूल है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ द कोलिजन इज कॉल्ड एज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इस तरह के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। क्लियर होगी बात सभी को, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं। अब सेकंड टाइप पे आ जाते हैं, सेकेंड टाइप आती है आपकी इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अब कोलिजन इन विच लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी is not conserved। बात समझाई? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन क्या पढ़ा आप लोगों ने? कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो जितनी हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप किया उतनी हाइट में वो स्ट्राइक करने के बाद भी चली जाएगी, ठीक है। तो ये इलास्टिक कोलिजन तो जिसमें लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहा, बट काइनेटिक एनर्जी उसमें कांस्टेंट नहीं, क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन। और ये जो इन इलास्टिक कोलिजन है, हमारे डेली लाइफ में इंटरेक्शन होती है। देखो कैसे, सेम वही बॉल निकलते हैं, सेम उसी हाइट से मैं इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, बट आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस द बॉल विल नॉट रिगेन इट्स सर्कुलर हाइट, कितने हाइट से मैंने इसको ड्रॉप किया? 10 मीटर, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ? इसने हाइट की 5 मीटर कवर की, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ द कोलिजन इज कॉल्ड अ इनइलास्टिक कोलिजन। इस तरह के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ कि इसने यहां पे हाइट को रिगेन की? ये जो हमारे पास एग्जांपल है, दिस इज रिलेटेड टू द डेली लाइफ। देखो अगर बॉल को ड्रॉप करता हूँ एक सर्टेन हाइट से, तो वापस मेरे हाथ में बॉल ना आ जाएगी, नहीं ना, क्यों नहीं आएगी? देखो
जब ये बॉल इस सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रही है तो देयर इज अ काइंड ऑफ अ लॉस इन द एनर्जी, कितने तरह की लॉस हो रही है एनर्जी की जब ये बॉल इस सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रही है इस तरह से, और वन एट द हीट इज प्रोड्यूस, क्योंकि कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है कोलिजन की वजह से आपने गालों में थप्पड़ मारा चार पाँच आपके गाल गर्म हो जाएंगे। ठीक है, जब गाल गर्म हो जाएंगे तो उसका मतलब कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करोगे आप जैसे ही बॉल जो है इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होने की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ द हीट, एक हीट लॉस ही होगी। और जैसे ही ये बॉल इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो सेम थिंग इज द साउंड की वजह से भी हीट जो है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो यार देयर इज अ टू काइंड ऑफ द हीट लॉस, दैट इज हीट लॉस, ठीक है, हीट लॉस, दूसरा साउंड लॉस। एक तो हीट की वजह से लॉस हो रही है इसकी एनर्जी, दूसरी साउंड की वजह से। ठीक है, बट इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्वेटिव ही रहेगा। कितना अगर मान लेते हैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो है कितना मान था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, तो कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम जो वही रहेगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बट काइनेटिक एनर्जी जो हम मान रहे थे कितनी, काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो वो मान लेते हैं 50 जूल ही रह जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके कोलिजन के बाद। क्यों, क्योंकि बाकी की 50 जूल एनर्जी का हम देंगे वो इन दो तरह की एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन, जो हम इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, तो दिस वन इज नॉट अ परफेक्ट थिंग, ये जो होते हैं परफेक्टली नहीं होते हैं, क्या होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं, जबकि हम उसको अप्रोक्सीमेटली मानते हैं परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप आ जाती है, थर्ड टाइप perfectly elastic collision। अच्छा, इस perfectly elastic collision क्या होता है, in which body will move as one body after collision, body किसकी तरह मूव करेगी, as a one body after collision। ठीक है, एक मिनट रुकना चाहिए। ठीक है, क्या बोला, body will move as a one body, क्या होता है इस तरह के collision में, perfectly inelastic collision, inelastic हो गया, elastic नहीं होगा, inelastic collision। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एक बॉडी आती है और दूसरी जो बॉडी स्टेशनरी है उसके साथ स्ट्राइक करेगी। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, दोनों बॉडी एक बॉडी बन के आगे की तरफ चल पड़ती है। ठीक है, तो इन दिस केस ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इसमें लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है बट काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व नहीं होती है इस केस में भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल क्या है, मान लो मेरे पास एक बुलेट है जिसको मैं फायर कर रहा हूँ फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, एक बुलेट है मेरे पास और किसके ऊपर मैं फायर कर रहा हूँ, एक वुडन ब्लॉक है जिसे नीचे लगता है रेस्टिंग की स्टेशनरी पोजिशन में है, बुलेट इज मूविंग विद अ सर्टेन हाई स्पीड। ठीक है, इसका मोमेंटम मान लेते हैं कितना 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल मान लेते हैं इसकी, इस बुलेट की, और ये क्या है, स्टेशनरी, एक जगह पर रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही ये बुलेट इसके साथ स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ी बड़ी पीस है, स्पेशल पीस है, यूनिट की उसके अंदर ही एम्बेडेड रहेगी, हो सकता है इसको क्लोज करके भी निकल जाए, बट दीस आर द स्पेशल पीसेस जिसको हमने क्लासीफाइड किया होगा। ठीक है, तो ये जो बुलेट है ये क्या करेगी, इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, इसके अंदर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और ब्लॉक और बुलेट दोनों जो है पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव करेंगे आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, स्टार्ट मूविंग एज वन बॉडी, एक बॉडी बन के आगे की तरफ मूव करने लगेंगे। तो इस तरह के कोलिजन को हम उसने क्या नाम दिया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इसको इनइलास्टिक क्यों बोला, क्योंकि इसमें भी मोमेंटम जो वो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम हमारे यहाँ पे 100 किलोग्राम था तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही रहेगा।
ठीक है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होगी, क्यों लॉस हुई, देखो यहाँ पे जैसे बुलेट ने इसको स्ट्राइक किया तो बुलेट को करना पड़ा बर्कडन करना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एम्बेडेड होता है, उसने एक तो स्ट्राइक किया, उसने स्ट्राइक करने की वजह से क्या हो रहा है, उसको हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हीट लॉस हो रही है, दूसरा साथ साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होगी क्योंकि किसी चीज के साथ स्ट्राइक कर रही है बुलेट तो वो साउंड भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, तो दूसरा लॉस हो रहा है साउंड में, साथ साथ में तीसरा लॉस भी हो रहा है, कौन सा, जब इस बुलेट को इसके अंदर एम्बेडेड कर रहे, जबकि एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी खाली नहीं है, वैक्यूम नहीं है इसके अंदर, एक रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी के थ्रू इसको अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो पेनिट्रेट करने की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है, तो दैट्स व्हाई यहां पे एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो लॉस हो जाएगी, तो मान लो उसको अंडर रूट छोड़ रह जाती है, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो ये सारे के सारे डेफिनेशन आप हमारे करेंगे और इस अंडरस्टैंड करना है सारे, क्योंकि दिस वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, ओके, ठीक है, फोर मार्क्स का है इनका, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कोलिजन के सारे कंसेप्ट आए, क्लियर हो गया,